अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदकल्लाहु मौलाना अजीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि बड़ा ही मुजर्रब और बुजुर्गों का आजमाया हुआ वजीफा है। मुझे फरमाइश हुई थी इस वजीफे की कमेंट में, मैंने पढ़ा तो किसी साहब ने फरमाइश की है कि कोई ऐसा वजीफा बताएं कि जिससे चाहे उसी से शादी हो, नाराज वालदैन भी राजी हो जाएं और राजी होकर वहीं पर शादी करें। वालदैन नहीं मानते जी, कोई कहता है कि लड़के के वालदैन नहीं मानते, कोई कहता है लड़की के वालदैन नहीं मानते, और या फिर जनाब अली कास्ट की दूरी है, इनकी और कास्ट है, उनकी और कास्ट है। लोगों में यह भी बड़ा रस्म और रिवाज चल पड़ा है कि जनाब अली हमने अपनी कौम में ही शादी करनी, अपनी कौम के अलावा किसी से नहीं। हालांकि मुसलमान है, मुसलमान की मुसलमान से शादी हो सकती है, बशर्ते कि कोई बद मजहब या कोई ऐसा ना हो कि जो दायरे इस्लाम से खारिज हो। मुसलमान सुन्नी से अकीदा हो तो कौम का कोई मसला नहीं होता। और वैसे आजकल इस दौर में लोगों ने काफी इस तरह के शोशे बनाए हुए हैं कि जनाब अली हमारी कौम का मसला है, इसलिए वालदैन नहीं मानते या उनके वालदैन नहीं मान रहे, सब प्रॉब्लम बन जाती है। तो आज का वजीफा जिन्होंने फरमाइश की थी कमेंट में, उन दोस्तों के लिए है कि हमारे जी वालदैन नहीं मानते, तो मैं उन्हें यह कहूंगा कि यह कमाल इंतहा दर्जे का एक मुजर्रब वजीफा है। मैंने कमेंट जब पढ़ी और उनके अल्फाज देखे तो उनके अल्फाजों में मुझे दुख नजर आया जब मुझे एडमन साहब ने ये कमेंट दिखाए। तो बड़ा ही मुजर्रब वजीफा उन दोस्तों की नजर करना है, लेकिन वजीफा करने से पहले शरायत सुन ले कि नमाज की पाबंदी तो हर हाल जरूरी है, अशद जरूरी है नमाज की पाबंदी। और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तैयबा और 11 मरतबा दुरूद पाक भी जरूरी है, और कोशिश करें कि हर गुनाह से तौबा करें, और फिर रोजाना नमाज फजर के बाद सिर्फ 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें, सिर्फ 3 मरतबा सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये नमाज फजर के बाद पढ़नी है। और फिर किसी भी नमाज के बाद, किसी भी नमाज के बाद आप सूरत यासीन की ये आयत पढ़ लें, यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, सिर्फ इतने तक। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, ये सूरत यासीन का वजीफा है और बड़ा ही बाकमाल है। किसी भी नमाज के बाद जनाब अली आप इस आयत मुबारक को किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा पढ़े, या फिर 3 मरतबा पढ़े, या फिर 11 मरतबा पढ़े, ज्यादा से ज्यादा 21 मरतबा यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, यानी पहली पहली सूरत यासीन की पहली आयतें। किसी भी नमाज के बाद आप एक मरतबा पढ़े, 5 मरतबा पढ़े, 7 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, 11 मरतबा पढ़े, या ज्यादा से ज्यादा 21 मरतबा इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन पढ़े, मेरा दिल गवाही देता है कि आपका दूसरे दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मसला वालदैन वाला हल हो जाएगा और रिश्ता ही हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।